नमस्कार, मैं विकास कुमार मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं उपभोक्ता के अधिकार के बारे में, उसके निवारण के बारे में, किस तरह से उपभोक्ताओं के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, हनन किया जाता है और किस तरह से आप उसका निवारण पा सकते हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे उन्हीं अधिकारों की, उपभोक्ता के अधिकार की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता वरुण कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं, उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता हम किन्हें कहते हैं, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, कंज्यूमर एक्ट में हर व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह और एक संगठन जो स्वैच्छिक रूप से बनाया गया हो, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। जो वस्तु का, जैसे नाम से ही उपभोक्ता, जो वस्तु का और सर्विसेज का उपभोग करता हो वो उपभोक्ता है। वरुण जी, अगर उपभोक्ता के अधिकार की बात हो रही है, उपभोक्ता के अधिकार की बात करें तो सूचना का अधिकार जो है वो बहुत अहम कह सकते हैं, माना जाता है, तो सूचना का अधिकार क्या है उपभोक्ता के लिए, उस पर मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। ये उपभोक्ता के अधिकार के बारे में और जो सूचना अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों एक्ट अलग अलग हैं। सूचना अधिकार है जो हमारे यहाँ सरकारी तंत्र और जो अर्ध सरकारी तंत्र हैं या सरकार के द्वारा संपोषित जो योजनाएं हैं, हर इंडियन सिटीजन को उस योजना के बारे में जानकारी लेने का अधिकार है, एक्सेप्ट उसमें कुछ क्लासिफाइड जो सुरक्षित हैं, राष्ट्रीय हित के या राज्य हित के हैं, उन सूचनाओं को वर्जित किया गया है। जहाँ तक उपभोक्ता कानून की बात है, ये हर उपभोक्ता का अधिकार है जो अपने वस्तु के बारे में या सर्विसेज के बारे में उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी यानी क्वांटिटी, प्योरिटी, प्राइस के बारे में उचित जानकारी लेके उचित सेवा प्राप्त करने का अधिकार उसको है। सर, अगर कर्तव्य की बात करें तो उपभोक्ता के कर्तव्य क्या क्या हैं, जब वस्तु खरीदते हैं, खरीदने जाते हैं, तो वो किस कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि अधिकार तो हैं ही, साथ साथ उपभोक्ताओं की भी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है, तो उस पर मैं चाहूँगा रोशनी डालें आप। देखिए, ये सामान्य उपभोक्ताओं को से मेरा निवेदन होगा दर्शक से, जो जब भी कोई वस्तु खरीदने आप जाते हैं तो वो वस्तु के बारे में पूर्व जानकारी ले लें, जो कंपनी बना रही है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके बारे में जानकारी, एक सामान्य जानकारी हासिल करें आप, और जब वस्तु ले रहे हैं तो उसका एक रसीद लेने का कोशिश करें, पक्का रसीद, जिसपे क्या टैक्स होता है, प्राइसेस जो है, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, इन सब चीज़ों का, और वस्तु का जब ले रहे हैं तो उसका अवलोकन करें, जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, उसका एक्सपायरी डेट कब है, प्राइस क्या टैग है उस पर, ये सब चीज़ की जानकारी, सामान्य जानकारी लेनी, ये इंक्वायरी इनको करनी चाहिए वस्तु खरीदने से पहले या सेवा लेने से पहले। सर, जैसे आपने रसीद की बात की, कई लोग जो है वो रसीद नहीं लेते हैं या कच्चे रसीद लेते हैं, बहुत आसानी से कहते हैं कोई बात नहीं, ये अपनी दुकान है, इस तरह से कहकर वो रसीद छोड़ देते हैं, लेकिन रसीद कितना महत्वपूर्ण है, रसीद लेना कितना ज़रूरी है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। इसी उपभोक्ता अधिनियम के तहत आपको जब भी रिलीफ सीख करना है तो वहाँ पे पक्का रसीद का एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कार्य होता है, पक्का रसीद चाहिए या कच्चा रसीद। जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक रिटेल है तो उसके बाद पक्का रसीद नहीं है तो, लेकिन कच्चा रसीद भी वो स्टाम्प लगा के दे सकता है, अपना साइन का हस्ताक्षर कर सकता है जो विक्रेता है, सेलर है, तो उस रसीद से भी काम चलेगा। और जहाँ पे की बड़ी दुकान है शहरी क्षेत्र में, तो वहाँ तो आजकल इंटायर कंप्यूटर जनरेटेड मशीन है जहाँ से उनको बिल और ये रसीद जारी किया जा सकता है, उस रसीद को रखना ज़रूरी है। सर, दस्तावेज़ की बात की, कई लोग जैसे मौखिक ही बात कर लेते हैं, लेकिन जब हम कानूनी तौर पे जाते हैं तो रसीद ज़रूरी होता है, लेकिन तो उस पर हम चाहेंगे आप बताएं। हाँ, हमारे देश और प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र के दोनों उपभोक्ता हैं, तो दिक्कत क्या है, जो शहरी क्षेत्र में तो रसीद पक्का मिल जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में मिलने में दिक्कत होती है, तो वहाँ लोगों को चाहिए, कस्टमर को, उपभोक्ता को चाहिए, जो कच्चा ही रसीद वो मोहर लगा के अपना हस्ताक्षर करके दे दें, जो कल दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र में तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, डिजिटल आ गए हैं, पेमेंट भी, ऑनलाइन पेमेंट का प्रोविजन है, तो उसका भी आपका डिजिटल यदि रिसिप्ट है वो भी काम करेगा। सर, डिजिटल पेमेंट की बात की आपने, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तो अगर अलग अलग ऐप से करते हैं उसमें भी कई बार पैसे जो है वो पहुँच नहीं पाते हैं,
जो बैंक से पैसे कट जाते हैं लेकिन जो जिन तक पहुंचने चाहिए उन तक पहुंच नहीं पाते, तो उस परिस्थिति में जो है उपभोक्ता क्या करे उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। अब जहां तक आपने बात की डिजिटल पेमेंट की बात की, तो अभी जो जैसे हमारे यहाँ पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, तो सामान्य लोग जो है लॉकडाउन हो गया और डिजिटल पेमेंट से किया गया। तो डिजिटल पेमेंट्स में जो भी कंपनी है उनका नाम लेना उचित नहीं है, वो लोग अपना पेमेंट जो है ऑनलाइन ले रहे थे और उनका पेमेंट का ये शर्त है जो आप गुड्स को यूज सर्विसेज के यूज करने के एक सप्ताह के बाद या 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद रिफंड करते हैं तो मेरा पेमेंट विद इन 72 आवर्स तक जाता है। और सामान्यतः हुआ क्या, कई लोगों को पेमेंट मिलने में एक एक सप्ताह 30 दिन 20 दिन लगा, रिमाइंडर कई बार दिया जा रहा है, ऐप पे दिया जा रहा है उनको। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप उपभोक्ता संरक्षण कानून में आपको अधिकार प्राप्त है, उनके विरुद्ध पहले तो ऑनलाइन शिकायत उनकी करें, उनकी कंपनी को ही करें। यदि रिड्रेस नहीं करते हैं तो आप उसके लिए जो जिला दल ये उपभोक्ता न्यायालय है वहाँ पे आप आवेदन दे सकते हैं। सर अगर चुनाव के अधिकार की बात करें, चुनाव के अधिकार में क्या क्या चीज़ें आती हैं उस पर थोड़ा मैं चाहूँगा आप दर्शकों को पूरी जानकारी दें। ये गुड्स एंड सर्विसेज का जब आप चुनाव कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको तो पहले उस वस्तु के बारे में जानकारी लेनी होगी, उसके मैन्युफैक्चरर कौन है, जो दुकान रिटेल शॉप है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो जो बेच रहा है उसका क्या मार्केट में रेपो है, एक सामान्य रेपो लेना है, ये नहीं जो आपको एक काफ़ी गहन अनुसंधान करना है। तो इन सब बातों को लेना होगा, जो उनकी क्या रिप्यूटेशंस हैं, जैसे हमारे कई होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं पटना में, या कई दुकान हैं जिनका रेपो काफ़ी ही अच्छा है, कंज्यूमर के प्रॉब्लम को मीडिएट वो रिड्रेस करते हैं। जैसे कई मल्टीनेशनल कंपनी हैं बिहार में वर्क कर रही हैं या इंडिया में वर्क कर रही हैं, क्योंकि इमीडिएट कंज्यूमर का विद इन 24 आवर्स वो रिड्रेस करती हैं, अपने सर्विस सेंटर को वो कॉल करते हैं और आते हैं। जैसे हम एक इंस्टेंस बताते हैं, इंडियन ऑयल कंपनी इंडियन जो है, यदि गैस लीकेज होता है उसका एक कॉल नंबर है, आप इमीडिएट कॉल करें और विद इन आवर उसके जो सेफ्टी मैनेजर्स हैं वो आ जाते हैं, आपके गैस लीकेज को ठीक करते हैं, आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। सर उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण प्राप्त करना एक बहुत बड़ा उनके लिए एक बड़ा अधिकार है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं संरक्षण, अगर उनके जो अधिकार है उनका हनन होता है, उल्लंघन किया जाता है, तो वो किस तरह से इसका जो है वो लुत्फ़ उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में केंद्रीय सरकार ने लाया, देयर आफ्टर ये 2019 में काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया। अब जागरूकता की यहाँ तक बात है तो हमारे जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको जागरूक रहना, जागरूक क्या रहना होगा, अपने अधिकार के प्रति, अधिकार क्या है, वस्तु जहाँ से खरीदें वो सही जगह से खरीदें, अपने वस्तु खरीदने के पूर्व वो वस्तु का एक अवलोकन करें, सामान अवलोकन करें जो उस पर क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, क्या प्राइस टैग है, और उसके उस बाबत रसीद भी प्राप्त करने की कोशिश करें। सर शिकायत की बात करें तो किस तरह से जो है उपभोक्ता के अधिकार का हनन हुआ अगर, तो कहाँ शिकायत करें, कैसे करें, किस क्षेत्र में जाए, कहाँ जाए, किससे बात करें और क्या प्रक्रिया होगी पूरी, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें, रोशनी डालें हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं आप। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून में हमारे त्रिस्तरीय इसमें जो व्यवस्था दी गई है, एक जिला लेवल पे फोरम, स्टेट लेवल पे फोरम है और नेशनल लेवल पे फोरम है। अब उसके क्षेत्राधिकार हैं जिला के लिए, जो एक जिला के लिए समानता है जो जिला मुख्यालय है वहाँ जो है ये अदालत होती है, तो वहाँ पे जो मॉनेटरी उसका वैल्यू दिया गया है वस्तु का, 1 करोड़ तक का यदि आप वस्तु या सेवा लेते हैं तो आप वहाँ परिवाद दायर कर सकते हैं। वो परिवाद आप लिखित रूप में हिंदी भाषा में या 8वीं सूची में जो भी भाषा है जिस राज्य के आप हैं उस भाषा में आप दायर कर सकते हैं, जिसमें आपको देना होगा जो वस्तु को कब परचेज किया गया, क्या डिफिशेंसी उसमें है, या सर्विसेज जो लिया गया क्या डिफिशेंसी उसमें है, और ये शपथ पे जाएगा यानी एफिडेविट पे जाएगा। उसके लिए वो जो परिवादी है, जो व्यथित पक्षकार है, उपभोक्ता है, वो लिखित रूप में दायर कर सकता है। और जहाँ तक राज्य ये आयोग की बात है तो 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक के लिए लिमिट वहाँ है। फिर ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वहाँ पे नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ऊपर का है लिमिट, 10 करोड़ से ऊपर का लिमिट का है। और ये दो न्यायालय जो हमारे यहाँ हैं,
राज्य स्तरीय और केंद्र स्तर पे जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर है नेशनल कंज्यूमर फोरम, ये दोनों अपीलेट हैं और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है ये अपीलेट नहीं है। यानी यदि डिस्ट्रिक्ट फोरम के किसी भी निर्णय से दोनों पक्षकार यदि व्यथित होते हैं तो वो अपील दायर करेंगे स्टेट फोरम में, स्टेट फोरम में यदि निर्णय होता है उससे व्यथित होते हैं तो वो राष्ट्रीय आयोग में दायर करेंगे। आपने जो प्रक्रिया बताई, बस ज़रूरत है उपभोक्ताओं को जागरूक होने की और उनके अधिकारों को जानने की, ताकि वो अपने आप को संरक्षित कर सके और जो उनके अधिकार है किस तरह से वो ये सारी प्रक्रिया करके अपने जो हक है उनको पा सकते हैं। सर, आपने बात की, अगर कार्यवाही की बात करें, आपने प्रक्रिया बताई, अगर कार्यवाही की बात करें तो सज़ा का भी इसमें क्या प्रावधान है? अगर प्रावधान है तो किस तरह के प्रावधान है? अगर जो उल्लंघन करता है अधिकारों के, हनन करता है, तो उसका किस तरह से जो व्यक्ति है उस पर सज़ा का प्रावधान होगा, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? ये उपभोक्ता संरक्षण कानून में स्पष्ट प्रावधान किए दिए गए हैं। यदि कोई भी निर्णय न्यायालय के द्वारा, जिला न्यायालय या राज्य न्यायालय या राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया जाता है उपभोक्ता संरक्षण के मामले में, यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो सजा के मामले में आपको कारावास की सज़ा 1 महीने से ले कर 3 साल तक और मॉनेटरी आपको फाइन जो है 25,000 रुपये से ले कर 1,00,000 रुपये तक किया जा सकता है आपको। सर, क्वालिटी और प्योरिटी की आपने बात की थी चर्चा में, ये चीज़ें बात हुई थी। अगर कोई खाद्य पदार्थ खाने से, या हम किसी होटल रेस्टोरेंट में खा रहे हैं या हमने कोई खाद्य पदार्थ दुकान से खरीद कर हमने इस्तेमाल किया, उसकी वजह से अगर हमारे सेहत पे कुछ असर होता है तो क्या हमें ये अधिकार है, हम उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं? हम ये प्रक्रिया जो आपने बताई, क्या उस परिस्थिति में भी ये प्रक्रिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आपका प्रश्न काफ़ी ही प्रासंगिक अभी है, रिलेवेंट है अभी के टाइम के लिए। जो लोग अपने होटल से घर पे पैक्ड फूड मंगा रहे हैं और पैक्ड फूड के चलते फूड पॉइजनिंग भी कई लोगों को होता है, सामान्यतः नहीं होता है लेकिन कभी भी ओकेजनल, तो इसके लिए क्या है, जो आप इमीडिएट डॉक्टर से सलाह लें और अपनी जाँच करवाएँ जो किस कारण से हुआ है। यदि उनके फूड की क्वालिटी के चलते हुआ है तो उसकी शिकायत करेंगे, उसके निवारण के लिए जो है हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो लेबोरेटरी बनाई हुई है वहाँ आपका जांच रिपोर्ट जाएगा। वो जांच करने के उपरांत यदि पाया जाता है कि उस फूड के चलते आपकी हानि हुई है तो आपको कंपेंसेशन दिया जा सकता है और आपकी भरपाई हो सकती है आपकी समस्या की। सरकार द्वारा कई योजनाएं, स्कीम उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए शुरुआत की गई, जिसमें से एक अगर हम बात करें तो जागो ग्राहक जागो, तो ये क्या है, इसकी इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से जागरूक किया जाता है, इसके बारे में मैं चाहूँगा इस पर विचार आप प्रकट करें। ये हमारे देश में जब से ये कानून आया है तो सरकार बराबर प्रयास कर रही है, इसके लिए उपभोक्ता दिवस भी मनाया जा रहा है हमारे राज्य में और ये राष्ट्रीय स्तर पर, और जनता को होर्डिंग्स के मार्फत न्यूज़पेपर में जो ऐड दे के उनको जागरूक किया जाता है। जो आप जब भी वस्तु लें उसका माप तोल सही करवाएँ, उसके प्राइस टैग को देखें और उसके लिए जो पावती है, रसीद है, वो पक्का रसीद प्राप्त करें। सर, अगर टैरिफ की बात करें, रेलवे की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, या जब हम रेलवे टिकट बुक करते हैं कैंसिलेशन की बात करें, तो उसमें भी जो दरें हैं कभी बढ़ जाती हैं कभी घट जाती हैं, और कैंसिल करते हैं तो जो वो दर है जो हमारे पास कैंसिल के बाद जो हमारे पास जो मूल्य आते हैं उस पर कई बार लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं। बिजली में जो हमारे पास बिजली बिल, उसमें भी कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, मैं चाहूँगा उसके बारे में बताएं, और उसमें जो समस्याएँ होती हैं तो उसका कैसे निवारण हम उपभोक्ता फोरम के द्वारा कर सकते हैं, उस पर आप थोड़ा बताएं। जहाँ तक टैरिफ की आपने बात की, तो जैसे हमारे यहाँ विद्युत टैरिफ जो है, अभी जो स्मार्ट मीटर लगा है उससे कई लोगों को शिकायत है, उपभोक्ताओं को, जो मेरा एक्सेस बिल आ रहा है, तो उसके लिए हमारे राज्य सरकार ने हर ज़िले में शिकायत कोषांग निर्धारित किए हैं, जहाँ पे आपका जो वाटेज है जो विद्युत डिपार्टमेंट ने आपको जारी किया है और जो आपका बिल आ रहा है, जो पूर्ववर्ती बिल आ रहा था, जो वर्तमान बिल आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इसकी सूचना आप देंगे तो वो जाके उसका निवारण करते हैं, जांच करवाते हैं, जो सही है तो मीटर को वो रेक्टिफाई किया जाता है। जहाँ तक रेलवे की बात है, जैसे सपोज कीजिए रेलवे का टिकट आप एक लेते हैं, राजधानी से टिकट लेते हैं, उसको दिल्ली आपको 10 बजे दिन में उतारना है, और वो सामान्य परिस्थिति में एक्सीडेंटल नहीं, मान लीजिए कुछ बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ये नहीं, सामान्य परिस्थिति में यदि वो आपको 12-1 बजे पहुंचाती है और आपका टिकट, उसका कनेक्टिंग टिकट आपका जर्मनी का है, तो आप फ्लाइट मिस करते हैं तो रेलवे पर आप क्लेम कर सकते हैं,
कि भाई आपके चलते, आपके सर्विसेज की डिफिशेंसी, इन सर्विस के चलते हमको लॉसेस हुआ है, वो उसकी भरपाई करेंगे, या आप ट्रेन में जा रहे हैं आपके गुड्स चोरी हो जाते हैं, ये सेफ्टी देना रेलवे का काम है, संरक्षा और सुरक्षा, यात्री की संरक्षा और सुरक्षा दोनों, ये स्पष्ट रूप से उनके होर्डिंग में लिखा रहता है। और जहाँ तक रेलवे टिकट की बात की उसके रिफंड का, तो रेलवे टिकट में सामान्यतः रिफंड में कोई दिक्कत नहीं होता, उसके सिस्टम में दिया हुआ है। हाँ, सिस्टम में कभी कभी गड़बड़ी आती है, तो ये उपभोक्ताओं को सामान्य समस्या आती है, जिसका निवारण आप उनके जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है वहाँ शिकायत करेंगे, तो वो निवारण दूर किया जा सकता है। वो आप मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, नहीं सुनवाई होने पर लिखित रूप में भी कर सकते हैं, टिकट लगा के देना होगा आपको। सर, एक और समस्या, जैसे आजकल धीरे धीरे सब चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, और कार सेवा, अगर बाइक सेवा की बात करें, तो वो हम लेकर कहीं एक दूसरे जगह स्थान पर जा सकते हैं आसानी से। तो मैं चाहूँगा, कई बार उसमें पेमेंट की भी समस्या होती है, हमने जो डेस्टिनेशन चुना जाम की वजह से, कई और कार्यों की वजह से बीच में ही कैंसिल करना पड़ा, हमने पूरी जो ट्रिप है वो पूरी नहीं की, तो पूरी जो मूल्य होती है जो फाइनल डेस्टिनेशन की, कई बार वो कट जाती हैं, और कई और तरह की समस्या भी होती है, जैसे कैंसिल हमने नहीं किया फिर भी चार्जेस कट गए कैंसिलेशन। तो उस परिस्थिति में जो उपभोक्ता है वो क्या करे, कहाँ गुहार लगाए, किस तरह से वो उस समस्या जो है उसका समाधान पा सकते हैं? विकास जी, अभी हमारे यहाँ शहरी क्षेत्रों में जो है, बड़े बड़े शहर में जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर आ गए हैं रकिस वगैरह लेके, जैसे बाइक ओला सर्विसेज है, उबेर है, तो इन सब में होता क्या है, समानता लोग बुक कराते हैं, और ये लोग कभी कभी जो टैरिफ चार्ज एक्सेस, जो हमको इस्टीमेट बताया जाता है डिस्टेंस पे, उसमें एक्सेस चार्ज करते हैं, ये समान समस्या है। इसके लिए इमीडिएट क्या है, उसके कॉल सेंटर हैं, उन पे कॉल करें, आप अपने शिकायत को दर्ज कराएं। यदि वो शिकायत का निवारण नहीं करते हैं विद इन 24 आवर्स, तो आप इसकी शिकायत आप जिला उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं, और ये इंटायर डिजिटल है, जो कि हमारे साक्ष्य अधिनियम में जो काफ़ी इसको एडमिसिबल और ये सुसंगत माना गया है, तो ये राहत आप ये प्राप्त कर सकते हैं। सर, एक बहुत बड़ा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, अगर अधिकार, तो एक चीज़ होती है कि कई बार हम बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं कई चीज़ों की, जैसे हमें कहीं घूमने जाना होता है तो हम सारी व्यवस्था जो है घर से ही करके जाते हैं, होटल बुकिंग, बाकी जो भी सर्विसेज हम इस्तेमाल करें वो सारी बुकिंग हम कर, लेकिन जो हम होटल बुकिंग जब करते हैं, रूम्स जो ऑनलाइन देखते हैं, वो जो हम तस्वीरें ऑनलाइन देखते हैं और कई बार जब जाकर साक्ष्य रूप से देखते हैं, कई डिफरेंस होती है। तो जो पेमेंट ले लिया गया, ऑनलाइन पेमेंट ले लिया गया, लेकिन जो हमें सर्विसेज मिलने चाहिए, जिस तरह की सर्विसेज मिलने चाहिए, जो हमें वादा किया गया था, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो उस परिस्थिति में, क्योंकि उपभोक्ता तो ऑलरेडी वो जा चुके हैं, उन्होंने सेवाएं ली, उस परिस्थिति में जो है उपभोक्ता क्या करेंगे, किस तरीके से इन चीज़ों से निपटेंगे, कहाँ जो उपाय करेंगे, किस तरह से जो है दस्तावेज़ और क्या चीज़ें उनको ज़रूरी है, इन चीज़ों के बारे में अगर कार्रवाई करनी हो तो कैसे करेंगे? ये एक सामान्य समस्या बता रहे हैं, जो अभी लोग ऑनलाइन होटल का बुकिंग करते हैं और जाते हैं टूर पे अपने परिवार के साथ, तो जब हम होटल में जाते हैं तो हम लोग रूबरू होते हैं, जो अनहाइजीन कंडीशन है, जो हमको दिखाया गया है बेडरूम का साइज या उसके जो वो साफ़ सफाई का या उसके जो फूड क्वालिटी वहाँ सर्व किए जाते हैं, वो काफ़ी ही निम्न स्तर के होते हैं, तो आप वहाँ पे जो है इमीडिएट लिखित प्रोटेस्ट वहाँ दाखिल करें, और जहाँ तक हो सके, तो अभी तो डिजिटल माहौल है, तो आप उसका एक फिल्म भी बना सकते हैं, उसके रूम का जहाँ गंदगी है, जो ग्लास बॉटल्स जो भी वो आ रहे हैं गंदे आ रहे हैं, इवन जो उनके एम्प्लॉई हैं वो टिप्स एक्सेस चार्ज करते हैं, टिप्स एक है, एक बख्शिश है, तो उस पर डिमांड ऐसा रखते हैं, तो इसकी शिकायत तो वहाँ पुस्तिका रहती है, जिस पे हर होटल में आप उस पुस्तिका में दर्ज करें शिकायत। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपको बताता हूँ, जैसे रेलवे कैंटीन में आप जाते हैं, रेलवे कैंटीन में जाते हैं तो आप जब नाश्ता या खाना लेते हैं फ्रेश मिलना चाहिए, यदि वहाँ पे गड़बड़ है तो वहाँ एक पुस्तिका है रेलवे बोर्ड के द्वारा, IRTC के द्वारा वो पुस्तिका निर्धारित है, उस पुस्तिका में आप दर्ज कर सकते हैं और वो कार्रवाई होती है, और आप उसका नंबर जो है स्कैन करके ले सकते हैं, आपका कंप्लेंट जो परिवार नंबर है, और रेलवे बोर्ड को भी शिकायत कर सकते हैं इस बात को, और इसका निर्धारण होगा, और जो प्राइवेट होटल्स हैं उनका भी शिकायत आप कर सकते हैं। नहीं आपके शिकायत का निवारण किए, आपका टैरिफ का जो प्रोसेस लिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप उसका केस कर सकते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में, आप जहाँ रिजाइड करते हैं आप वहाँ कर सकते, ऐसा नहीं जो मैं आगरा गया, बुकिंग तो पटना से हुआ,
तो पटना ही में केस कर सकते हैं, यही नहीं जो हमको आगरा जाना होगा। मतलब जहाँ से आपने बुकिंग की, उपभोक्ता ने जहाँ से वो सर्विसेज अवेल की, वहीं पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी जी, जो आपने आपकी समस्या निवारण वो उसी जगह पे हो सकता है। एक सबसे बड़ी समस्या आती है, हम एटीएम गए, हमने एटीएम विड्रॉल के लिए हमने सारी प्रोसेस की, कई बार एटीएम से पैसे नहीं निकलते हैं, तो उस परिस्थिति में हम किसके लिए, हम किसको शिकायत करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? कि बैंक जैसे हमने किसी और एटीएम से, हमारा जो अकाउंट है किसी और बैंक का है, उस परिस्थिति में हम किस बैंक के पास जाएंगे और किससे हम इस पर जो है आगे हम बात करेंगे निवारण के लिए, इस पर आप थोड़ा बताएं। ये एटीएम वाली समस्या जो एक सामान्य समस्या होते जा रही है, हम लोग भी रूबरू डे टू डे होते हैं, तो इसमें इमीडिएट जो आपका पेरेंटल बैंक है उनके कॉल सेंटर पर इमीडिएट कॉल करें और उनको जो 72 आवर्स में उनको रिफंड करना है या विद इन 1 वीक, कुछ बैंकों का जो है, तो यदि वो नहीं करते हैं तो उसके लिए भी शिकायत आप कर सकते हैं उस बैंक के, जो हमारे यहाँ RBI जो है ओम्बिट्समैन है, वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं। सर, अभी हमने ATM समस्या की बात की, तो वो जो निवारण की बात करें तो कितना वक्त लग सकता है उसके निवारण में, उसके बारे में आप बताएं। और जैसे कि हम अंतिम पड़ाव में भी आ गए हैं, तो चाहेंगे अगर आप कोई संदेश देना चाहते हो तो हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। ये कंज्यूमर का जो आपने जो बताया, जो उसका निवारण का क्या समय है, तो एज पर एक्ट जो है वो 3 महीने का समय दिया गया है और एक्सटेंडेड पीरियड जो है वो 5 मंथ्स का है। और जहाँ तक संदेश की बात है तो मेरा कहना होगा, जो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो ग्राहक को सस्ता पे नहीं जाना है, गुणवत्ता पे जाना है, उनको क्वालिटी लेनी है, तो क्वालिटी लेनी है तो वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा, उनको जागरूक रह के उसके फूड के या सर्विसेज के या गुड्स के जो है क्वालिटी है, क्वांटिटी है, प्योरिटी है और उसके प्राइस पे, सब पे ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं जो सस्ता मिल रहा है तो भाई ले लिए, सस्ता ले लिए तो फिर रोएंगे आप, और पक्का रसीद लेके आप अपने अधिकार को संरक्षित कर सकते हैं। उसके लिए न्यायालय, हमारे जो संविधान ने कई कानून बनाए हैं, कानून का अनुपालन तभी कर पाएंगे जब आप जाएंगे वहाँ पे उस अधिकार को लेने के लिए। घर बैठे आप रहेंगे तो वो न्याय नहीं मिलेगा, आपको लेके जाना होगा। और ये जो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है कंज्यूमर एक्ट में, काफ़ी सरलीकृत है, आप अपने से कर सकते हैं, किसी एजेंट के माध्यम से कर सकते हैं, किसी अधिवक्ता के माध्यम से भी कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी, उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पटना दूरदर्शन को, जो उन्होंने मुझे इस विषय के लिए आमंत्रित किया, धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की उपभोक्ता के अधिकार की। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए पहलू पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए दूरदर्शन बिहार। नमस्कार।